बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। आज ये मलबा आ रहा है और ये पूरी रात देखिए कुछ नहीं बच पाया। आज 2 महीने पहले यहाँ पर टाइल उखड़ गए सारे। इतके छो काम करने वा बैगों में छे नहीं कोई ना। जरा यहाँ पेड़ पड़ गया था। कोई सुन दो मेरी खैरी, कोई गण दो मेरा दुख। हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त और आप मेरे दोस्त। सो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप सब एकदम मस्त होंगे। तो यार करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। आज 8 बजे से हो रही है और हिताक्षी मेरे साथ है, और अभी हमको जाना है घड़ी गदेरा पानी ठीक करने, क्योंकि वहाँ नल टूट रखे हैं। तो चलते हैं फिर घड़ी गदेरा अब। अरे तू जा रही। और मौसम की बात करें तो कल रात से बारिश लगी है, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने शाम को कितनी भयंकर बारिश हो रही थी, और रात में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो आपको थोड़ा बहुत मौसम दिखाता हूँ इधर का। तो यार आज जो काम होगा वो सर्वदान में होगा, अपराध ले लिया, चलते हैं। ये है हमारे गांव का धारा। 2 महीने पहले यहाँ पर टाइल लगे थे और टाइल उखड़ गए सारे। बजट का तो अच्छी हो, बोल्ड भी गायब है, बोल्ड भी गायब है यहाँ का। देखो ऐसे ऐसे काम किले मिला किले कने तुम यहाँ ना। तो नल टूटा है, यहीं पर से टूटा है नल। मन बहुत बड़ जा रहा है। मेरे तीर बहुत नल दे छोड़ला के तो खोड़ा लगे ना अभी। हैं नल तो हम से नल को कितने लगो सुना गान पर वो नल भी तो गाना है। गान जो तो कहीं में काम और भाई है या अगर या बिजनेस में आया है मैं नहीं अभी छोड़ दूं या यहां निपल ही ना यार ना ले भी नहीं दी ना लगा का तुम कर लो दी हो दिया ना ले अच्छा नहीं हुआ इस घर में। हम अपने गरीब भाई के बाप गांव में हम काम चलाओ बोलो भोजन फैक्ट्री का तो और यार ये वो शौक है खुला मिलो फैक्ट्री के काम बोल ना कहीं निपल ओ भाई के छुड़ी काटो पे दोनों ताला चेन होता जने ही पेन का सिर मणि में। हां ना पकड़े ले ना पकड़े ले ना ना पेन पेन उती प्योर छु होगा तो यार ही मैं आओ बल्कि तो फाइनली गाइज हमारा वर्क सक्सेसफुल रहा। हमने सारे नल जोड़ दिए यहाँ पर से, आप देख सकते हो। तो यार इधर का नल ठीक कर लिया, और अब चलते हैं गदेरे में, और ज़रा वहाँ आप लोगों को डिग्गी दिखाते हैं। तो चलो फिर ये काम भी करते हैं फटाफट। तो गाइस देख सकते हो गांव की कुछ महिलाएं डिग्गी से मलबा निकाल रही है, जो कि बरसात में ऊपर से गधेरा आया और डिग्गी में चले गया, तो औरतें वही निकाल लिया अभी। इतके छो काम करने वा बैगों में छे नहीं कोई ना। तो फाइनली गाइस डिग्गी एकदम साफ हो गया, देख सकते हो आप लोग, और बाकी कुछ लोग वहाँ पर नल टूट रखा है, तो नल जोड़ने की अभी कोशिश जारी है, देख सकते हो आप लोग। और ऊपर देखो गधेरा और ऊपर जंगल। यहाँ पर पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं सभी लोग,
ताकि जो नल है नल के नीचे से सपोर्ट बना रहे। यहाँ पर आग जलाई जा रही है क्योंकि एक नल हल्का छोटा पड़ गया, तो उसके अंदर पाइप डालेंगे तो उसको थोड़ा पिघला कर नल के अंदर डालेंगे। तो यार यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, प्लास्टिक के पाइप को पिघलाया जा रहा है जो सीधा जाएगा लोहे के पाइप के अंदर, क्योंकि पाइप थोड़ा छोटा पड़ गया है देख सकते हो आप लोग। और ये हल्का गर्म कर दिया हमारे बड़े भाई साहब ने, और इसको सीधा घुसाएंगे पाइप के अंदर, लोहे वाले पाइप के अंदर। प्लास्टिक का पाइप एक तरफ से तो घुसा दिया लोहे वाले पाइप में, अब दूसरे तरफ से घुसाने की बारी है। तो फिर इधर से भी हल्का उसको गर्म करते हैं अब। तो यहाँ पर दूसरी तरफ से अभी प्लास्टिक के पाइप को गलाया जा रहा है, यानी पिघलाया जा रहा है, और उसके बाद इसको इस पाइप में घुसा देंगे। फिर ये हो जाएगा अपना जुगाड़ वाला काम। थोड़ा प्याज भी डाला बा, माथ अभी गो जलता हूँ थोड़ा। तो फाइनली गाइज हमारा काम सक्सेसफुल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो भाई गांव का डिग्गी भर गया, अब जाएगा यहां से पानी सप्लाई होके, और ये नल लगे हैं इधर, और ये पूरा नल जोड़ दिया, और अब चलते हैं सीधा घर को। अब ये नल भी हो गया यहां से ठीक, जरा यहां पेड़ पड़ गया था तो सभी लोगों ने कर दिया इसको ठीक। अब चलते हैं घर की तरफ। अब तो फाइनली गाइज घर पहुंच चुके हैं, और बाकी कुछ लोग गांव वाले आए थे, कुछ लोग नहीं आए थे, आजकल काम का समय भी है। चलो कोई बात नहीं, नल तो नल हम लोगों ने जोड़ दिया है, और बाकी एक जगह पर वहां पर आग जलानी पड़ी क्योंकि जो लोहे का नल था वो कम पड़ गया था, छोटा पड़ गया था, और वहाँ पर प्लास्टिक का पाइप डाला तो पानी आएगा नहीं आएगा, कहीं कुछ फंस गया होगा, मतलब बुझाड़ा लग गया होगा। और चलो फिर यार 11 बज चुके हैं तो नाश्ता करते हैं, अब बहुत भूख भी लगी है तो अब नाश्ता करते हैं फिर। अब तो यार नाश्ता पानी भी हो गया, और ताक्सी मेरे साथ बैठी है तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर स्कूल के बच्चे आ चुके हैं और यहाँ पर पानी पियेंगे अब, और यहाँ पर मयंक, और कौन कौन है, राजू और रोज राम, और ये हनी का हाल बा, तो हाँ ठीक बा ठीक बा। हम
हां बेनी काना बेनी ओ तेले बोलन हैं जाओ रे जाओ 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 अरे टाइम दीजिए टाइम भैया 6 बज चुके हैं शाम के अरे तुम्हारी खोपड़ी में 6 बजे की है कि या बजने 1:20 ले ना कर ले वो अच्छा ना वो तो उतनी बड़ी घड़ी दिखनी है वो तो स्कूल काहे के ले जाते हो तुम लोग जब तेरे घड़ी दिखने चलो निकलो फटाफट पानी वानी पी लिया पानी वानी पी लिया जाओ आराम से जाओ घर को जाओ घर में जाना भात खाना दाल खाना हैं ओ चलो जाओ 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 तो यार स्कूल के बच्चे भी चले गए और पानी वानी पिया उन लोगों ने और उसके बाद चले गए और 2 बज चुके हैं तो मैं को भी लगी है भूख और आप खाते हैं दिन का भात भोजन करते हैं दिन का ठीक है आप भी कर लो। तो गाइज उत्तराखंड में बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि क्या बताएं इतना बारिश तो चौमास के टाइम पर भी नहीं होता था और आजकल सितंबर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और जो भी नुकसान हो रहे हैं वो आजकल ही सितंबर में हो रहे हैं चौमास में इतना नुकसान नहीं हुआ था जबकि लोग बोलते हैं चौमास में ज़्यादा नुकसान होता है बट इतना नुकसान नहीं होता है चौमास में और आजकल हो रहे हैं सितंबर के महीने में। और बाकी मेरे पास एक वीडियो क्लिप है टेंट उड़ा के गधेरे की तो थोड़ा उधर का भी वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को और बाकी क्या बोलूँ यार वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि कुछ लोगों की कुछ हेल्प हो जाए। और जैसे कि हमारे उधर का नल टूट गया था तो हमारे इधर नल स्टॉक में पड़े थे और अगर और भी नल जाएंगे तो भाई हम कहाँ से लाएंगे नल। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग वीडियो आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है आज भाई दलीप सिंह का पूरे खेत बह चुके हैं पूरे मलबे से दब चुके हैं इतनी ज़्यादा नुकसान हो चुका है आज क्या जो PMJSY रोड के कारण सिटीपुल के कारण जो है इनका पूरा नुकसान हो चुका है हमारा रास्ता का हुआ PMJSY के उनके घर का हुआ खेत का हुआ और बगीचे का हुआ जिस तरह से मलबा आ रहा है और ये पूरी रात यदि बारिश रहती है तो भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा भाई दलीप सिंह का इतना पानी आ रखा है जैसे एक नदी बह रही हो पूरी की पूरी नदी यहाँ बह रही है देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है इस तरह से नुकसान हो रहा है हरी जल खटाव के कारण ये नुकसान बढ़ते जा रहा है और ये पूरा का पूरा मलबा नदी में हमारे रामगंगा नदी में पहुंचा है ये देखिए रोड डैमेज हो चुकी है दोस्तों पूरी रोड डैमेज हो गई है इतना मलबा इसमें आ चुका है कि जिसका कोई हक नहीं है। मैं कल सुबह आपको दलीप सिंह का खेत का भी दिखाऊंगा हाल इस वक्त तो वहाँ जाना जान जोखिम के बराबर हो चुका है। ये देखिए इनका कहना है आप क्या आत्महत्या कर रहे हो क्या बेमतलब हम काफी पीछे हट चुके हैं रोड जो है पूरा डैमेज हो चुका है हमारी मेन रोड भी अब चले गई है ये देखिए पूरा मलबा आ चुका है तबाही का ये निशान हमारे कई पीढ़ियों तक रह जाएगा ये तबाही का ये निशान देखिए आप ये तबाही का निशान देखिए दोस्तों ये तबाही का निशान है हमारे लिए हमारे बाहर जिस तरह से जा रहे हैं ये देखिए ये पहाड़ के निशानी है
ये देखिए पहाड़ की छड़िया, पहाड़ की छड़िया देखिए, ये देखिए पहाड़ की निशानी, सभा सभाई की निशानी, कुछ नहीं बच पाया आज, सब कुछ तबाह होके चल दिया है।